कि न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से। न हो पूरा मजमा एक बार बोले सुभान अल्लाह। पहली बार आया हूं, मुकम्मल इस्तकबाल करें। पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से। न हो आराम जिस सारे जमाने से। उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। न हो आराम जिस बीमार सारे जमाने से। और मिंबर शरीफ पे हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी अजहरी की भी तशरीफ आवरी है। जितने उलमाए किराम बैठे हैं, मैं पढ़ता हूँ शेर मोहब्बतों के साथ। मुलाहजा फरमाए कि तुम्हारे दर के टुकड़ों से पड़ा पलता है एक आलम। तुम्हारे दर के टुकड़ों से पड़ा पलता है एक आलम। तुम्हारे दर के टुकड़ों से है एक आलम। गुजारा सब का होता है इसी मोहताज खाने से। गुजारा गुजारा सबका होता है इसी मोहताज खाने से। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से। आवाज और उठे बोले सुभान अल्लाह माशाल्लाह। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से। उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। हजरत के खानवादे के जितने चश्मो चिराग हैं, उनकी दुआएं लेकर एक शेर पढ़ता हूँ मोहब्बतों के साथ। मुलायजा फरमाए अरे कोई फिरदौस हो या खुल्द हो हमको गरज क्या है। कोई फिरदौस हो या खुल्द हो
हमको गरज क्या है, कोई फिरदौस हो या खुल्द हो। हमको गरज क्या है, लगाया अब तो बिस्तर आप ही के आसताने से, लगाया अब आप ही के आसताने से, हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से। मक्ता मोहब्बतों के साथ मुलाहिज़ा फरमाएं, मक्ता हसन मिज़ार रहमतुल्लाह ने अपने कलाम में क्या कहते हैं। जितने शुराए किराम बैठे हैं, खुतबाए इज़ाम बैठे हैं, उलमाए ज़बील एहतराम बैठे हैं, उनकी दुआएं लेकर न पहुंचे उनके कदमों तक न कुछ हुस्ने अमल ही न पहुँचे उन्हें के कदमों तक न कुछ हुस्ने अमल ही है, न पहुँचे उनके कदमों तक कुछ हुस्ने अमल ही है। हसन क्या पूछते हो, हमें गए गुजरे जमाने से, हसन क्या पूछते हो, हमें गए गुजरे जमाने से, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से। अल्हम्दुलिल्लाह, दो तीन शेर मैं मशहूरे जमाना, फरमाइशें तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक दो शेर नात का पढ़ता हूँ। ऑपरेटर साहब थोड़ी सी आवाज बॉक्स में बढ़ाइए, पढ़ता हूँ। जीशान गाजी पूरी है, बहुत सारे शुराए किराम हैं, मैं पढ़ता हूँ शेर मोहब्बतों के साथ। मुलाहिज़ा फरमाए कि इस करम का करो शुक्र कैसे अदा। हजरत अल्लामा तहसीन निजात साहब के सामने बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी मूड बन रहा है, और मुन्ना भाई जितने हजरात हैं तमामी हजरात के हवाले से कि इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, मेरी बात पर गई है, मेरी बात पर गए हैं, मेरी बात पर गए हैं, आका तेरी बात करते 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 करते, बहुत करंट है यार माइक में, मेरी बात बन गए माशाल्लाह। हजरत के साहबजादे मुन्ना भाई रेहान साहब और जितने भी खानवादे वाले हजरत हैं, चश्मो चिराग हैं, उन तमाम भाइयों के हवाले से पढ़ता हूँ मोहब्बतों के साथ। मुलाहिज़ा फरमाए मेरी बात बन गए प्यारे आका मदनी आका, मेरी बात पर गए हैं, तेरी बात करते करते। पूरा मजमा एक बार हाथों को उठाए, बोले या रसूल अल्लाह, मेरी बात पर गई गए
ते करते तेरे शहर में मैं आऊं, तेरे शहर में मैं आऊं, तेरी नात पढ़ ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आवाज 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 उठाए, आवाज उठाए, बोले सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज खोली रे भैया, आवाज खोली। और हजरात अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल रंग चढ़ गया है। मैं एक शेर इस कलाम का पढ़ता हूँ कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चाहे भारत हो या मुल्क नेपाल हो, सभी जगह से लोग सरकार अबुल हक्कानी के उर्स में तशरीफ लाए हैं माशाल्लाह। जितने लोग यहाँ से वहां तक बैठे हैं पूरा मजमा हुजूर अबुल हक्कानी के नाम पे एक बार बोले सुभान अल्लाह। आए है माशाल्लाह, मुकम्मल इस्तकबाल हो कि मेरे सुने सुने घर में कभी रौनक अता हो। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। मेरे सुने सुने घर में कभी रो न के आता हो, कभी रो न के आता हो। तकते तकते तेरी नात पढ़ते पढ़ते मेरी बात पढ़ गए हैं। और हजरत इस नाते रसूल का एक शेर और पढ़ता हूँ, क्योंकि आखिरी मुलाकात हजरत से मेरी बिहारी की सरजमीन पे हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो मंजर मेरी नजरों में फिर रहा है। मैं पढ़ता हूँ, शेख मुलायजा फरमाए कि तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है। आका मुझे जिंदगी मिली है, मुझे मौत आए आका, मुझे मौत आए आका, तेरा जिक्र कर दे। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। पढ़ते पढ़ते तेरी नात पढ़ते पढ़ते मेरी बात बन गई है। और रात चंद शेर मनकबा शरीफ का पढ़ता हूँ, उसके बाद जगह लेता हूँ। मोहब्बतों के साथ मुलाहिज़ा फरमाएं, चूंकि लमा तहसीन मिल्लत का हुक्म है कि आधा घंटा पढ़िए, लेकिन नहीं, मैं मुख्तसर अंदाज में चीदा चीदा शेर पढ़ता हूँ, जगह लेता हूँ। मोहब्बतों के साथ मुलाहिज़ा फरमाएं, एक बार दीवाने अबुल हक्कानी मजमा से खड़े होकर नारा लगाए और मुकम्मल बताए कि मनकबा शरीफ सुनने के लिए तैयार है। खड़े होकर कोई नारा लगाए,
जरा जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं पढ़ता हूँ मोहब्बतों के साथ, मुलाहिजा फरमाए के आलिम शर ओ तरीकत है अबुल हकाने, आलिम शर ओ तरीकत है अबुल हकाने, अबुल हकाने, साहिबे ज़ुहद तो बसीरत है अबुल हकाने। और मोहब्बतों के साथ शेर मुलाहिज़ा फरमाए कि तोहफ़े मुफ्ती आज़म है रज़ा खां के गुलाम, मुफ्ती आज़म है रज़ा खां के गुलाम, तोहफ़े मुफ्ती आज़म है रज़ा खां के गुलाम, तोहफ़े मुफ्ती आज़म है रज़ा खां के गुलाम, गौसो खाजा की इनायत है अबुल हकाने, गौसो खाजा। और रात एक शेर पढ़ता हूँ, इस मुकम्मल इनकलाबी शेर है, मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल होना चाहिए कि जिनकी तकरीरों में खुशबू है हदीसों की बसी, जिनकी तकरीरों में खुशबू है हदीसों की बसी, जिनकी तकरीरों में खुशबू है हदीसों की बसी, वो शहनशाह है खिताबत है अबुल हकाने, वो शहनशाह है खिताबत है अबुल हकाने। अशार बहुत सारे हैं लेकिन आखिरी शेर पढ़ता हूँ मोहब्बतों के साथ, मुलाहिज़ा फरमाए पूरा मजमा एक बार बोल दे सुभान अल्लाह माशाल्लाह। मुलाहिज़ा फरमाए कि आपके उर्स मनाएंगे हर एक साल यहाँ, पूरा मजमा एक बार बोले सुभान अल्लाह, इश्क मोहब्बत आपका उर्स मनाएंगे हर एक साल यहाँ, आपका उर्स मनाएंगे हर एक साल यहाँ, आपका उर्स मनाएंगे हर एक साल यहाँ, लौका वाले लौके हवाले बसद शाले अबुल हकाने, ले बसद शाले अबुल हकाने। और
सरकार के जितने चश्मो चिराग हैं उनके हवाले, आपके सारे ही शहजादे हैं फूलों की तरह। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आपके सारे ही शहजादे हैं फूलों की तरह, आपके सारे ही शहजादे हैं फूलों की तरह, आपके सारे सद शाह में अबुल हकानी।